कि जब कोई भी मामला कोर्ट में आता है तो वहाँ पर लीगल इश्यूज फ्रेम होते हैं कि अच्छा हम इन इन बिंदुओं पर सुनवाई करेंगे, इन पर नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हिजाब बैन को लेकर के नहीं है, लेकिन संस्थानों में क्या हिजाब पहना जा सकता है या नहीं, ये एक लीगल इशू था और इस पर जो है सुनवाई हुई है। तो वही अभी जो है जस्टिस गुप्ता अपने फैसले में पढ़ रहे। जब दो अलग अलग राय होती है जजेस के बीच में और जजों की संख्या दो होती है, तो वैसी परिस्थिति में क्या इसको आगे बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जाता है या फिर लग रहा है कोई फैसला आ जाएगा? चित्रा, यहाँ पर जो है ये भी बताना जरूरी है कि देखिए अगर जो दोनों जजों की अलग अलग राय होंगी तो मामला तीन जजेस की बेंच के पास जाएगा, क्योंकि दो जजों की बेंच के पास पहले से है तो वो ऊपरी बेंच के पास जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही जज की मांग भी की जा रही थी, इसकी मांग की जा रही थी कर्नाटक हाईकोर्ट के जिन लोग के फैसले को जिन लोगों ने चुनौती दी थी उन्होंने ये मांग की थी। इस सबके बीच में अगर दोनों जजों की सेम राय होती है, लेकिन दिल्ली जो पहले आ गया है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है अनुच्छेद 25 में, उस पर कहा है सीमा क्या है, जस्टिस गुप्ता वो बता रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्ठा के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो ऐसे में उसकी सीमा क्या है, उसका किस तरीके से आकलन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बहस चल रही थी वो आर्टिकल 19, 21 और 25 को लेकर। राय अलग है तो फैसले का क्या होगा फिर, किस तरह की उम्मीद? अभी हमको चित्रा ये देखना जरूरी होगा कि क्या यहाँ पर राय पूरी तरह से अलग है या फिर उसी राय में कुछ और संशोधन करके या उसी को आगे वो बढ़ा रहे हैं। लीजिए यहाँ पर आया है, क्या छात्रों को अनुच्छेद 21, 25 और 21 के तहत सुनने का, वही चीज है ना जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कॉलेज में आप ये कह देंगे कि आप जो है येलो ड्रेस पहन के आएंगे, मैं जो ग्रीन पहन के आऊंगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो छात्रों को क्या वो अधिकार दिया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही मैं चाहूंगी कि बिल्कुल जो आया है उसको एज़ इट इज़ आप पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए। जस्टिस गुप्ता मामले से जुड़े हुए कानूनी बिंदु को बता रहे हैं और साथ ही ये सवाल भी पूछा गया है, क्या छात्रों का अनुच्छेद 19, 21, 25 के तहत वस्त्र चुनने का अधिकार मिले। चित्रा सबसे महत्वपूर्ण ये तीनों अनुच्छेद क्या बताते हैं? देखिए ये जो है राइट टू एक्सप्रेशन की बात करता है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, राइट टू जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। और अभी जो जस्टिस गुप्ता ने कहा ना कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वो कहां तक जो मान्य होगा, क्या स्कूल कॉलेज में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या मान्य होगा या नहीं होगा, क्या उसके तहत किसी को कुछ भी पहनने का अधिकार होगा, तो इस तरीके के सवाल थे और यही जो दलील भी दी गई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।